नमस्कार। आज कहानी किचन की से आपको मैं कढ़ी बताऊंगी पालक की। तो दो तीन चीज़ें आपको बता देती हूँ। पहले एक तो क्या है, जो हमारे यहाँ मेरी मम्मी बनाती थी कढ़ी, तो छाछ से ही बनाती थी हमेशा। ऐसे छाछ भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं, तो वो हमेशा छाछ से ही बनाती थी, कभी दही से नहीं बनाती थी। तो मैं भी आज छाछ से ही बनाती हूँ, दही से नहीं बनाती हूँ। और आपको इसके लिए क्या करना है कि जैसे आपको छाछ चखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप किस टाइप का खट्टा खाते हो वो देखना पड़ेगा। मैंने 1 लीटर छाछ ली है, 2 लीटर पानी मिलाया है, क्योंकि खट्टी छाछ थी। आप छाछ देख सकते हो, चख के देख सकते हो पानी मिला के, और पहले पानी मिला के चख के देखें, उसके बाद बाकी का आगे का काम करना है अपने को। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर छाछ ली थी, 2 लीटर पानी मिलाया है छाछ में, 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, और इससे मैंने नाप के लिया है टेबल स्पून से, तो ये 5 टेबल स्पून भर के हो रही है। इस टाइप से भर के ऐसे लोगे तो 5 टेबल स्पून हो रही है, वैसे 1/2 कप है। तो क्या करेंगे, बेसन इसमें घोल लेंगे पहले। जो मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी 90 साल की है, और जो मम्मी बनाती थी उसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। तो हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, और हमेशा छाछ में, मट्ठा में, छाछ वो बोलते हैं इसे, कई लोग मट्ठा भी बोलते हैं, कई लोग छाछ भी बोलते हैं। तो इसे घोल लेंगे अच्छे से, ये जो लम्स पड़े हुए हैं सारे घोल लेंगे इसमें से। और हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसन घोल के और इसे गैस पर चढ़ा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे अभी। और ये बेसन घोल लिया मैंने मट्ठे में, और इसमें डाल देंगे। और इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल आएगा, तब तक इसे चलाएंगे, क्योंकि इसे बंद कर देंगे तो ये फट जाएगा। तो इसे उबाल आने तक चलाएंगे हम, जब तक इसमें उबाल आएगा चलाते ही रहेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो बाकी की सामग्री मैं बता देती हूँ आपको। उसमें पालक लिया है, एक छोटी गड्डी पालक लिया है, आप 250-300 ग्राम के करीब भी ले सकते हो, और बारीक काट लिया है इसे, आप देख सकते हो। 2-3 मोटी हरी मिर्ची ली है जो काट ली है हमने, कड़ी पत्ता लिया है, धनिया लिया है, हल्दी है, मोटी कुटी हुई मिर्ची है लाल, और राई है, मतलब छोटी राई जो होती है, मस्टर्ड सीड, जीरा है, और हींग है। तो ये हमने बघाड़ के लिया है। पालक हम अभी डालेंगे, और हल्दी मिर्ची भी अभी डालेंगे। तो हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, और अब मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है हमको। इसमें 1.5 चम्मच के करीब हल्दी डाल रही हूँ, और 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची है कुटी हुई, आप थोड़ा अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। अगर आपके पास मोटी लाल मिर्ची नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और पालक भी डाल देंगे अभी, और ये दो छोटे चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। मतलब छाछ की सब्जियों में कभी भी नमक डालो तो बॉयल आने के बाद ही डालना चाहिए, पहले नहीं डालना चाहिए, नहीं छाछ फटने के पूरे चांस रहते हैं। और कई लोग इसे दही से बनाते हैं, कई लोग क्या, ज़्यादातर लोग दही से बनाते हैं, पर आप छाछ से बना के देखिए बहुत अच्छी बनेगी। पुराने टाइप के जो लोग थे वो छाछ में ही बनाते थे, गाँव में मट्ठा होता था खूब, तो मट्ठे की बनती थी, दही की कोई नहीं बनाता था पहले, आजकल सब लोग दही की बनाते हैं। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे धीमी गैस करके, धीमी से थोड़ी ज़्यादा, मतलब मीडियम से थोड़ी कम और धीमी से थोड़ी ज़्यादा, और 1/2 घंटे तक पकने देंगे इसे। ये कढ़ी को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे, कच्ची हरी मिर्ची डालेंगे, और अब गैस बंद कर देते हैं, छौंक लगाएंगे अब इसमें।
ये आधा घंटे में पक्के तैयार हो गई है। पहले गांव में जो बनती थी तो वो चूल्हे पे बनाते थे, तो वो एक एक घंटे के लिए रख देते थे बॉईल करने के लिए। आजकल गैस पे आधा घंटे ही काफी है। इसमें 2-3 चम्मच तेल डालते हैं। ये तेल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें सरसों डालेंगे, राई के दाने, उसके बाद जीरा डालेंगे, उसके बाद 2-3 लाल मिर्ची काट के रखी थी वो डाल देते हैं, हींग डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे कलर के लिए, तीखी मिर्ची नहीं है ये। बस गैस बंद कर देंगे और ये बघार कढ़ी में डाल देंगे हम, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। कढ़ी बनके तैयार है और हम सर्व करके बताते हैं आपको। ये कढ़ी बनके तैयार हो गई है। ये हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। और जो हमने बघार बचाया था वो डाल दिया है ऊपर से गार्निश के लिए। ये बनके तैयार हो गई है। आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।